आपको अहम खबर दें, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ रहीम यार खान पहुँच गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कच्चा में डाकुओं के हमले में ज़ख्मी जवानों की अयादत भी की। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। इसी पर मज़ीद बात करेंगे फसीउल्लाह से। जी फसीउल्लाह बताएगा, फसीउल्लाह से भी राबता बहाल करेंगे, आपको आगाह करें इस हवाले से। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ रहीम यार खान पहुंच गई हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कच्चा में डाकुओं के हमले में ज़ख्मी जवानों की अयादत भी की है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। आपको ये अहम अपडेट दें, अहम खबर दें, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की शेख जैद अस्पताल आमद भी हुई, वहाँ पर भी गई और जवानों से अयादत भी की उनकी, जो शदीद ज़ख्मी हो चुके थे कच्चा में डाकुओं के हमले में। ज़ख्मी जवानों की अयादत भी की गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। आपको अपडेट करें कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ रहीम यार खान पहुँच गई हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कच्चा में डाकुओं के हमले में ज़ख्मी जवानों की अयादत भी की है।